आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को नगर निगम के नव निर्मित सदन भवन एवं आईटीएमएस कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। 15 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सफाई कर्मियों के मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित करेंगे लैपटॉप। जनपद में 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष स्टाम्प अदालत का किया जा रहा है आयोजन। एडीएम फाइनेंस ने कहा, ऐसे व्यक्ति जिनको स्टाम्प के कमी का मिला है नोटिस, संबंधित न्यायालय से संपर्क कर मामले का करा सकते हैं निस्तारण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक। कहा, शासकीय योजनाओं का कराया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, जिससे मिल सके पात्र जनों को समय से उसका लाभ। जनपद में अगले 2 दिनों में है छिटपुट बारिश की संभावना। एडीएम फाइनेंस ने धान क्रय केंद्र अधिकारियों से की अपील। कहा, धान की सुरक्षा का करे पुख्ता इंतजाम। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 338 केंद्रों पर 29,869 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 10,776 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 19,093 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचने के लिए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जटाशंकर गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह की माता गुजर कौर एवं 4 साहिबजादों को समर्पित शहीदी समागम कथा का किया गया आयोजन। अमृतसर से आए विश्व प्रसिद्ध कथावाचक ने लोगों को सुनाया 4 साहिबजादों की शहीदी की कथा। सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के तत्वावधान में ब्राह्मण महासम्मेलन तथा जन जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। कहा, ब्राह्मण समाज जब कमजोर होगा तो सनातन धर्म होगा कमजोर। और विश्व प्रसिद्ध सेल्वी हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर विक्रम शाह तथा उनकी टीम हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में 2 जनवरी को लगाएगी घुटना एवं स्पाइन के रोग निवारण के लिए निःशुल्क कैंप। आयोजक ने दी जानकारी।